सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की जेल में सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश दिया। दरअसल मंगलवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को जारी रखे ताकि उन्हें किसी अप्रत्याशित स्थिति से गुजरना नहीं पड़े। मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने मुख्तार अंसारी के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया और साथ ही इसे काफी मजबूत बताया। न्यायमूर्ति हर्षिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उमर ने याचिका में जेल परिसर के भीतर अपने पिता की सुरक्षा का मुद्दा उठाने के साथ उन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य की जेल में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। यूपी की ओर से पेश अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल KM नटराज ने पीठ के समक्ष मुख्तार अंसारी के खिलाफ विभिन्न चरणों में लंबित मामलों की संख्या और सुरक्षा व्यवस्था का विवरण रखा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा कि ASG ने कुछ उपाय उसके संज्ञान में लाए हैं। सभी उपायों के बावजूद चीजें घटित हो सकती हैं। हम इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकते। फिलहाल जो कुछ भी किया जा रहा है उसे जारी रहने दें। पीठ ने आगे कहा, उसे उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश देना उचित लगता है कि बंदी मुख्तार अंसारी के लिए किए गए सभी सुरक्षा उपायों को जारी रखा जाए ताकि उन्हें किसी अप्रत्याशित स्थिति से गुजरना ना पड़े। अदालत ने गौर किया कि मुख्तार अंसारी को पहले डिजिटल माध्यम से उनसे जुड़े मामलों की अदालती सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में करेगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।